तो सैमसंग ने अपने लॉन्च करे दो नए स्मार्टफोन गैलेक्सी M10 गैलेक्सी M20। बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, काम चलाने के लिए मार्केट में थोड़ा कंपटीशन जो है बना के रखेंगे शाओमी के साथ। लेकिन यहां पर न्यूज़ आ गई है उसके नए स्मार्टफोन की, गैलेक्सी M सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन गैलेक्सी M30। अब उसके बारे में कई सारी रूमर्स लीक्स जो है वो बहुत तेज़ी से बाहर आ रही हैं। M30 के बारे में जो खबर अब आई है वो ये कि M30 में मिलने वाला है सेम एक्सिनोस 7904 चिपसेट, नया वाला जो कि सैमसंग अपने गैलेक्सी M20 में दे रहा है। और साथ ही साथ यहां पर आपको मिलने वाली है एक फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि टोटल साइज होगा उसका 6.38, थोड़ी सी बड़ी होगी M20 से। रेजोल्यूशन 1080x2020 होगा, 2220 होगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको 4GB की रैम का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो ये सारी चीजें M30 के अंदर की लीक्स हैं जो बाहर आई हैं। कैमरा यहां पर आपको मिल सकता है 13 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल ही मिल पाएगा, लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है आपको यहां पर फ्रंट पे डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाए 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन के साथ। बैटरी के मामले में यहां पर भी सेम लीक्स दिए गए M20 की तरह कि 5000mAh के आसपास बैटरी इस बार फिर आपको मिल सकती है। एक और दूसरी डिवाइस यानी कि M20 की तरह M30 में भी आपको आधा पावर बैंक दे के सैमसंग खुश करने वाला है। तो और एंड्रॉयड मिल जाएगा आपको बिल्कुल लेटेस्ट से एक पीछे वाले, क्योंकि सैमसंग की हमेशा की एक आदत है वो करंट वर्जन से एक अर्जन पीछे की तरफ पहुंच जाता है और उसके बाद डिवाइस को निकालता है और कहने के लिए भी दो अपडेट देता है और आपको चुतिया बना लेता है। तो अगर M20 आपने लिया है तो अच्छी बात है, 30 भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है आपकी जेब पे कैसा सेट होता है। कीमत की अगर बात करेंगे तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास इसकी कीमत हो सकती है। ज़्यादा डिटेल्स जैसे क्लियर होंगी मैं वीडियोज़ में बता दूंगा आपको। तो पसंद आई हो अगर आपको गलती से भी ये वीडियो तो भैया थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को चलाने के लिए बेहद जरूरी है।